और ये अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर बैठे। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या है। क्रांतियोंकारियों की नगरी है अशफाकुल्ला खान शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की नगरी से हूँ, रोगन रोशन सिंह की नगरी जिन्होंने अपनी जान को इस देश के लिए न्यौछौर किया था। मैं उस शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से हूँ। मैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की जिला महामंत्री हूँ। मैं यहाँ पर आज 1.5 महीना होने जा रहा है और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गोरखपुर में वहाँ की समस्याओं का निस्तारण न्यायालय तक नहीं पहुँचने जाना चाहता है और मठ में ही निपटा देता है, इन शिक्षा मित्रों को भूखा नंगा इस सड़क पे छोड़ दिया है। हमारे बच्चे अब हमारी उम्र 45, 50, 52, 55 तक पहुँच गई है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों की फीस कौन भरेगा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमें योगी जी बताएं कि हम अपने बच्चों की हमारी बच्ची बीएड कर रही है, मैं कहां से उनकी फीस भरूं। बताएं मेरी बच्ची कहती है मम्मा यहां अपना बीएड छोड़ दे, मेरी बेटी एमएससी बीएड है बीएड कर रही है जो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है। अगर कहते हैं हम योग्य हैं अयोग्य हैं, अरे मुझे बताएं जो 72,000 उन्होंने भर्ती किए हैं उन लोगों की ट्रेनिंग हमने कराई है। अगर हम अयोग्य हैं तो वो भी अयोग्य है। 17 सालों से हमने बच्चों को पढ़ाया है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ एक बच्चा आईएएस की यहाँ कर रहा है। क्या वो आईएएस भी बेकार है? यदि मैं बेकार हूँ तो वो आईएएस भी जो कर रहा है वो आईएएस ट्रेनिंग कर बेकार है। मुझे बताएं योगी जी, ये समाज 17 सालों से सर्विस, हम कोई चोर नहीं है, हम लुटेरे नहीं है, एक शिक्षक है और अपनी शिक्षक की गरिमा में बैठे हुए हैं। यदि हम लोगों ने चाणक्य कीर्तन है, एक चाणक्य ने पूरे नंद मंच का नाश कर दिया था, ये शिक्षक अगर चाणक्य बन गया तो पूरे भारत का भी नाश हो जाएगा। और चिंता है इसकी कोई गलती नहीं है, सरकारों की गलती है। उसने हमारा समर्थन कैसे किया, हमारा कैसे नहीं किया ये सरकारें जाने। और ये जो शिक्षा मित्र का पौधा जो है बीजेपी के द्वारा लगाया गया था जिसका पानी पालन पोषण सपा सरकार ने किया, बसपा सरकार ने किया, इसके लिए हम जिम्मेदार क्यों हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने हमें जिम्मेदार बना दिया टेट का, वो लिखित में दे क्या हमारे साथ जो टीचर और हैं उनकी भी ट्रेनिंग कराई जाए, उनको भी टेट कराया जाए। इन जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनको हम लोग टेट करेंगे, इनके स्तर की इनको भी एक परीक्षा देनी चाहिए क्या योग्य हैं। 8वां पास हो जाता है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है, जो बिना पढ़ा लिखा है स्मृति ईरानी जी मानव संसाधन विकास मंत्री जिनकी सारी डिग्रियां फिर जी हैं वो हमारे लिए बना दी थी। अनुपमा जायसवाल जी जिनको बात करने की अकल नहीं है वो हमारा कहती हैं कि रिकवरी कराएंगी, कहां से रिकवरी कराएंगी? अरे हम अपनी जिंदगियों की जान हमारी जान ले लें, हमारी रिकवरी केवल हमारी जान लेके हो सकती है। हमारे बच्चों की जान चाहिए, हमारे पतियों की जान ले लो, हमारे सास ससुर की जान ले लो, क्योंकि हम इस अवस्था में नहीं है ना, हम बच्चे हैं, हम 50 और 45 के करीब लोग कहते हैं बूढ़े सोते राम राम नहीं करते हैं। अरे टेट कोई चीज नहीं है, लेकिन हमें लिखित में आदेश दीजिए, लिख के दीजिए कि आपका समर्थन करेंगे और हमें इस पद पे रहते हुए सम्मान देते हुए वेतनमान देते हुए टेट का आदेश करें, हम टेट करेंगे, लेकिन अपने पद पे रहते हुए मुझे वेतनमान देते हुए हम टेट के लिए तैयार हैं, लेकिन तब टेट करेंगे जो हमें पुनः उसी पद पे पदस्थ करें, वही वेतनमान दें और हम टेट को देंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो 52 साल के हमारे टीचर हैं, पुराने टीचर हैं, टेट उनके ऊपर लागू हो, हम भी टेट देंगे और वो भी टेट देंगे। धन्यवाद।